बैकग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत भाई एक वीडियो वायरल करने लग रहे हैं कि आज किसानों ने ये कर दिया। सबसे पहले तो जींदाड़े उन किसानों ने बहुत बहुत बधाई जो दुष्यंत चौटाला को नहीं आने दिया और उसको रास्ते से वापस जाना पड़ा। इसके लिए जींद के जितने भी किसान साथी हैं जो भी वहाँ पर गए थे, विरोध करने गए थे, उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद हो भाई। वो बधाई के पात्र इसलिए हैं कि भाई उसको आने नहीं दिया, और ये जैसे बार बार प्रोग्राम दे रहा है उसका भी सबकी समझ में आ जाएगा। फिर जो जींद में जितने साथी थे वहाँ पर जो कर रहे थे, जो मीडिया कवरेज कर रहे थे और भी कर रहे थे वहाँ पर, भाई ये संसार क्रांति वाला देशी पत्रकार धर्म भी पहुँचा था, राम राम भाई सारे ने ये भी पहुँचा था भाई। तो बहुत भाई मतलब कि इसका जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, बोल रहे हैं ये किया, उसका पूरी घटना का किसी को पता है? किसी को भी पता हो तो पूरी घटना का वो बता देना मेरे को। हाँ मेरे को पूरी घटना का पता है। फिर बताते हैं उनको पूरी घटना हुई कैसे, फिर क्या हुआ था। ये अपनी कवरेज कर रहा था, मीडिया वाला कोई भी हो चाहे सोशल मीडिया वाला है, सभी कवरेज करने के लिए जाते हैं, कवरेज सभी करते हैं भाई, इसमें कोई वो नहीं है। चाहे कोई छोटा देसी छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो, सभी कवरेज दे रहे हैं। गोदी मीडिया तो कवरेज देगी नहीं किसानों को, वो किस लिए कवरेज देगी? वहाँ पर पाँच सात, ज़्यादा नहीं, पाँच सात युवा लड़के आते हैं और एकदम से अचानक इसके ऊपर हमला बोल रहे हैं, इसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अचानक से इसके साथ मार पिटाई भी शुरू कर दी और भाई इसकी पगड़ी खोल कर भगा दी। नंबर एक चीज़, हरियाणा में पगड़ी को शान समझा जाता है, नहीं पता हो तो ध्यान से सुन लेना, पगड़ी को शान समझा जाता है। फिर उसी पगड़ी को आग लगाना ये कब से होने लगा कि उस पगड़ी को फिर आग लगा दी? आग लगाता कोई अपना हरियाणा में? कोई किसी की पगड़ी चाहे कोई भी रखता हो, चाहे कौन जाना आदमी भी सिर पर पगड़ी रख रहा है, क्या उस पगड़ी को खोल के आग लगाता है? क्या ये अपने यहाँ पे कोई हरियाणा में लगाता कोई आग? नहीं लगाता। उसके बाद अचानक से एक स्पेशल पार्टी, नाम बोल लूँगा, जेजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी की आईटी सेल एकदम से अचानक एक्टिव हो जाती है, जो बिल्कुल ख़त्म सिंह थी, जो अभी तक उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो जेजेपी पार्टी की आईटी सेल वो वीडियो डाल रही है बार बार और ये बोल रही कि किसानों ने देशी पत्रकार धर्मू पर अटैक किया, अटैक किया। किसी किसान ने कोई अटैक नहीं किया, वो एक पार्टी के प्लांटेड बंदे थे जो कि किसानों को बदनाम करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। किसी किसान किसान अपना दुष्यंत का विरोध कर रहे थे और दुष्यंत को नहीं आने दिया, ये उनका भी क्यों उसको तीन बार आने से रोक दिया? एक दो बार नहीं रोका है, तीन बार आने से रोक दिया। तो अभी इनका खुंदक ये थी कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम करवाया जाए, आंदोलन किसानों को कैसे बदनाम करवाया जाए, ये इनका खुंदक बड़ी ओढ़ है, बहुत बड़ी खुंदक बड़ी ओढ़ है इनका। ये नहीं हो तो खुंदक बता दो, अगर किसानों को बदनाम कैसे करवा सकते हो? इनके अक्का को तो कहीं आने नहीं दे रहे और इनको बेचारों को कहीं काम मिल नहीं रहा, तो काम नहीं मिल रहा तो फिर इनने क्या करना था? ये अपने हो गए एक्टिव उसी टाइम पर, दे वीडियो दे पोस्ट, दे वीडियो दे पोस्ट, बहुत बढ़िया यार, कहाँ से एकदम से अचानक से कैसे एक्टिव हो गए तुम? अब ये चीज़ समझनी उनको भी है, मेरी उनसे ही बात हुई थी, धर्मू से भी सभी से बात हुई है, भाई तेरे ऊपर किसी किसान ने अटैक किया था? वो ही बोल रहा है किसी किसान ने अटैक नहीं किया, पाँच सात नए लड़के आए थे, किलकी मारे थे। अब सबको पता किलकी गैंग किसके पास है, नहीं हो तो बता दो किलकी गैंग किसका है भाई, बताना एक बार कोई भाई अगर समझदार जुड़ रहा हो तो, किलकी गैंग किसका है? जिस किलकी गैंग ने पहले ही हरियाणा का पूरे का भट्ठा बिठा दिया, अब वो किलकी गैंग चाहता है कि कोई भी किसानों को ये ना दिखाए। और सबसे बड़ी उनका खुंदक ये थी कि दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा था, दुष्यंत चौटाला का विरोध था, आज इस पे किया है कल को दूसरे पत्रकार पे कर दोगे और फिर नाम ले दोगे किसानों का, जैसे तुमने पहले किलकी मार गए पूरे कुणबेगी ऐसी तैसी कर रखी है, अब तुम ये किलकी मार के किसान आंदोलन का नाश करना चाहते हो, किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो आप लोग, यही चाहते हो? मैंने पहले ही बताया था बीजेपी तो घटिया काम करती ही करती है, जेजेपी उससे भी दो कदम आगे जाके घटिया काम कर रही है, उसे भी दो कदम आगे जा लिए, एकदम से पूरी आईटी सेल एक्टिव और कर दो बदनाम किसानों को, मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अक्का को कहीं आने नहीं दिया जा रहा, अब भी नहीं आने दिया जाएगा, ये तो अपना भरम निकाल दो कि अभी भी तुम्हारे को कहीं आने दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा ना, नहीं आने दिया जाएगा कहीं पर भी, भूल जाना इस चीज को भाई, राम राम। क्यों करते ये सब ऐसा, क्या मनसा क्या इन लोगों की, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या, क्या मनसा, कौन सी मनसा लेके ये लोग आए हैं? आज तक इन्होंने इतनी जल्दी पोस्टें कहीं किसान आंदोलन की डाली, एकदम से पूरी आईटी सेल ने, पूरी आईटी सेल, अभी देखो वीडियो डिलीट मत करना, पूरी की पूरी जेजेपी की आईटी सेल डाल रही है वीडियो, बहुत बढ़िया होया किसानों ने एक नंबर का काम कर दिया।
कभी इन्होंने आज तक पिछले 5 महीने से कभी देखना एक साथ ऐसी पोस्टें किसानों के लिए डाली है क्या? कहीं पर भी डाली हो तो फिर बदनाम करवाते इस आंदोलन को। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, बेशरम लोग हैं ये जो ये ऐसा काम करते हैं, जो किसानों को बदनाम करते हैं, ये करते हैं ना, ये बेशरम टाइप के लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये जो आंदोलन चला हुआ है ये शांतिपूर्वक चलता रहे। क्यों करते हो ऐसा सब, क्यों करते हो? ये आंदोलन ना टूटे, कहीं तुम सोच रहे हो तुम्हारा इतना करने से ये आंदोलन टूट जाएगा? इस भड़ोखे में मत रहना कि आप लोग इस आंदोलन को ऐसे तोड़ दोगे, ये तुम्हारा बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आंदोलन इतना आगे जा चुका है कि अब तुम्हारे बस की कहानी नहीं रही है, तुम इस आंदोलन को कैसे भी करके तोड़ दोगे, क्या गारंटी दे देते हैं। और हाँ, जो चीज़ नहीं बोलता मैं, दिन में वीडियो बनाया था मैं कभी नहीं बोलता, अब करो भाई, शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो और बताओ इनको जो है जेजेपी की आईटी सेल एक्टिव हुई है ना, कैसे एक्टिव हुई है जेजेपी की आईटी सेल, क्यों एक्टिव होगी एकदम से? ये दिखा रही कि किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने ऐसे मार दिया उसको, कूट दिया उसको, उसके साथ तो कोई मार कुटाई इतना कुछ नहीं हुआ है। ये 5-7 बंदे आए हैं, इनने इसकी पगड़ी पर हाथ मार कर, अरे पगड़ी तो नुकार दुश्मन की भी नहीं उछाली जाया करती, दुश्मन की भी पगड़ी नहीं उछाली जाती हरियाणा में, और उन लोगों की पहचान हो ली, उनकी FIR भी दर्ज होगी, फिर अपने आका के दौरा जाओगे थम, आका हमारे ऊपर केस हो गया, हमारा केस उल्टा हटवा दो, फिर पहुंचोगे तुम अपने आका के पास, फिर केस हटवाते हंडोगे। पहले तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, तब तुम्हारे सुधार नहीं आया, तब तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आया, कैसे एक्टिव हो गए एकदम से? पूरी जेजेपी एकदम से एक्टिव, कभी कोई किसानों की पोस्ट नहीं देखी, आज एकदम से बड़े एक्टिव हो गए कि चलो आंदोलन बदनाम करने का हमारे को बहुत बढ़िया साधन मिल गया है, इसके साथ तो हमारे वाला ने कर दिया, अब नाम किसान का आ जाए, कैसे ले दोगे किसान का नाम? अगले खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं हमारे ऊपर किसी किसान ने कोई अटैक नहीं किया, और नहीं किया किसी किसान ने कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि किसान ऐसे काम करता ही नहीं, अपना शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है। कब सुधरोगे तुम लोग ये बताओ, तुम्हारे अंदर सुधार कब आएगा? अब तो अनाज खाना शुरू कर दो, अब तो सुधार कर लो अपने आप में, या तुम एक कोई पत्रकार जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर तुम बता दोगे ये अटैक किसानों ने किया, किसानों ने किया, ऐसे क्या किसानों को बदनाम करवा दोगे? ऐसे बदनाम ना होगा ये आंदोलन, ये समझ जाना, ये आंदोलन जहाँ से चला हुआ ना उस दूरी तक तो तुम्हारे ना बीजेपी नहीं पहुँच पाई आज तक, कि ये आंदोलन चल कहाँ से रहा है, उस तय तक तो आज तक बीजेपी नहीं पहुँच पाई, जेजेपी पहुँच जाएगी उस तय तक, नहीं पहुँच पाएगी, और फिर दिखाएंगे किसानों का ही दिखाएंगे ये लोग, जितने यूट्यूबर हैं वही तो दिखा रहे हैं किसानों का, और वो आगे भी दिखाएंगे, वो आगे भी दिखाएंगे। लेकिन अब बना इलाज करो, ये बीजेपी के जेजेपी के जो समर्थक है ना, जो जानबूझ का अड़ंगा डाल रहे हैं इस आंदोलन में, जो वैसे तो कभी समर्थन में आ नहीं सकते, लेकिन अड़ंगा डालने के लिए समर्थन में आ जाते हैं, किसी किसान ने उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रखा, अगले अपने मुंह से भी कर रहे हैं, और नहीं किया किसी किसान ने कोई भी अटैक, ये जो कुछ है ना, जो अंधभगत गंधभगत बोलता है, जिनको जज पिल्ले खज पिल्ले बोलते हैं, ये उनकी हरकत है, जिन्होंने बीच में आकर ये हरकत की है, उनकी हरकत है ये किसानों को बदनाम करवाने की, जो किसानों को बदनाम करवाना चाहते हैं, और तुम्हारी पहचान हो चुकी है, अब नंबर तुम्हारा आएगा, ये ध्यान करना, तुम कहीं भी फंसोगे ना तुम्हारा नंबर लिया जाएगा, पहले तुम्हारा इलाज होगा, ढंग से इलाज होगा जो तुम ये हरकतें करते हो। ये 5-7 आदमी जाते हैं कहीं भी कलकी मारकर कुछ भी करके खड़े हो जाते हैं, क्या चक्कर क्या है? पहले ही तुमने हरियाणा की ऐसी तैसी कर रखी है, मुश्किल से हरियाणा संभलता जा रहा है, मुश्किल से इस हरियाणा में एकता होती जा रही है, उस एकता को होने दो, एकता तो तुम किसी परिवार में नहीं होने देते, तो तुम हरियाणा में एकता कैसे होने दोगे? पहचान करो इनकी, और इनका ढंग से इलाज कर लो, जो एकलकी गैंग आवा है ना, इस कलकी गैंग का इलाज कर लो, ये है वो लोग जो बदनाम करवाते हैं इसको, आंदोलन को पूरे को बदनाम करवाने वाले ये लोग हैं, शुरुआत से इनकी पहचान कर रखी थी, ठीक है भाई पड़े रहेंगे एक साइड में पड़े रहेंगे, लेकिन फिर आगे एक पत्रकार पर हमला करके, किसानों ने हमला कर दिया, किसानों ने थप्पड़ मारे, क्या मारे कहां मारे, अगले तो बोल रहे किसी किसान ने कुछ नहीं मारा, नहीं किया, ठीक है अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत पत्रकारिता कर रहा है उसको वहीं पर रोको, रुक भाई गलत कर रहा है इसने, काट दे यहीं पर, वह इंसानियत किसानों के अंदर जिंदा है, तुम्हारे अंदर नहीं है, जो ये नेताओं के पाले हुए पिल्ले है ना इनके अंदर नहीं है ये इंसानियत, इनकी तो इंसानियत मरी हुई है, ये तो नेताओं का थुक्या हुआ चाटते हैं, इनके अंदर वो इंसानियत कहां से आएगी? नहीं तो बता देना मेरे को, जितने भी सुन रहे हैं आप बाद में सुनते किसी भी चैनल पर सुनते आप लोग, कोई भी मेरे को बता देना हरियाणा के अंदर कहां एक कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है किसी की पगड़ी को निकालकर उसमें आग लगा दो, कहां पे लिखा हुआ है ये? क्या यही हमारे हरियाणा की पहचान है? ये कुछ आदमी है जो बीजेपी और जेजेपी के पाले हुए हैं, ये पूरे हरियाणा को ऐसा बदनाम करवा देंगे, इनकी पहचान कर लो, ये नेता तो बाद में मिलेंगे, पहला तो जो पाले और पिल्ले है ना इनका इलाज कर लो, इन पिल्लों का इलाज सबसे जरूरी हो गया है,
ये है तो पूरे हरियाणा की मट्टी कटवाते हैं हर जगह पे। बड़ी मुश्किल से एकता होती आई है, उस एकता को ये खुश नहीं है। ये तो एक परिवार को एक ना होने दें, फिर ये तो हरियाणा की एकता है। ऐसे लोगों का इलाज कर लो, ये बदनाम करवाएंगे, पूरे हरियाणा को बदनाम करवाएंगे। और दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, जींद वाले उन किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिनने दूषण चौटाला उल्टा कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद उनका, जिन्होंने अपनी एकता दिखाई और उसको उल्टा कर दिया। ध्यान से देखना, कोई बुजुर्ग नहीं हाथ उठा रहा उसके ऊपर, जितने भी ना वो नए नए बच्चे हैं। और जब सही मलाठी चार्ज होता है ना, बुजुर्गों को लाठी लगती है, ये सारे युवा भाग जाते हैं। ये खास करके अकल की गैंग, ये आती है गड़बड़ करने के लिए। इनकी पहचान कर लो जितने भी किसान है, चाहे वो जींद हो, हिसार हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रोहतक में हम तो पहचान करके रखेंगे भाई इनकी, इनकी पहचान पहले करके रखेंगे। चिंता मत करना, तुम आना रोहतक में कहीं पर भी, अगर कुछ भी कर रखा होगा, जहां पर मैं खुद हूँ ना वहां पर तुम्हारे को उपजने नहीं दूं मैं। तुम कितनी कोशिश कर लेना तुम्हारे को उपजने ना दूं, कितनी उपजाऊ जमीन में जाएगा तुम अपना बीज गिर लेना, तुम्हारे को उधर ही रगड़ दिया जाएगा। और जो भी ये बार बार वीडियो दिखा रहा है कुछ भी कर रहा है ना, गलत चीज है ये। ऐसे आंदोलन बदनाम नहीं होगा किसी करने से, कभी भी नहीं होगा। ये एकता थी है और रहेगी। अब करो भाई वीडियो को शेयर, शेयर नहीं शेयर टू ग्रुप करो। और ये है हकीकत, और जो ज्यादा कुछ दिखा रहा है ना वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है, ये कारस्तानी जो जेजेपी ने करी है ना आज बदनाम करवाने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करवाने की जो जेजेपी की करतूत है ये, आज ये इसका पूरी का बंडा फोड़ हो गया। तुम्हारे ही पाले हुए गुर्गे तुम्हारा बंडा फोड़ करवा देते हैं, जब एकदम से अचानक से एक्टिव होते हैं ये, वहीं पर बंडा फोड़ हो जाता है तुम्हारा। किसान जिंदाबाद था, किसान जिंदाबाद है, रहेगा, इस चीज में कोई शक मत मानना। और किसी के तोड़ने से एकता नहीं टूटेगी। अगर कोई एक पार्टी के अंधभगत, गंध भगत या खज पिल्ले, जज पिल्ले आगे एकता को तोड़ देंगे, अपने दिमाग में ये फितूर निकाल के साइड में टेक दो, साइड में टेक देना इस फितूर को। ये थी पूरी हकीकत। बाकी राम राम भाई सभी को। अब कर देना वीडियो वायरल, और जिसको बोलना है ना आके बोल देना वीडियो पे, खास करके मेरी आईडी पे आके बोलना, मैं बताता हूँ तुम्हारे को जवाब मैं देता हूँ, जो तुम ये वीडियो वायरल कर रहे हो, ये कर रहे हो। किसी किसान ने कुछ नहीं किया, ये अकल की गैंग है ना, जो खुद तो खत्म हो ही रखे हरियाणा में से, तुम आंदोलन को भी खत्म करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।